पर भी आ गई कि सारा इंडिया जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उसका भी लाइसेंस इन्होंने मतलब सेबी ने इसका निरस्त कर दिया है। तो आने वाले समय में सारा के संग कितनी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं तो ये आने वाले समय पर ही मालूम चलेगा। और निवेशकों को जो उनका पेमेंट है वो किस तरीके से मिलेगा अभी भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ वगैरह या पेपरों में एडवर्टीजमेंट इनका आया था कि उसमें कुछ समय तक हम लोगों को बोला गया है कि भाई थोड़ा सा धैर्य रखें, आपके पेमेंट सुरक्षित हैं और जो भी आपके पेमेंट रहे हैं उस पर भी कुछ आपको जो भी एक नॉमिनल ब्याज होगा उसको लगा के आपका पेमेंट किया जाएगा, तो उसमें भी कुछ समय इन्होंने मांगा है। तो उस समय की पूर्णावधि भी हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई भी मतलब उस पर निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन हो सकता है कि महीने दो महीने के बाद कोई ऐसा निर्णय निकल आता है जो कि मतलब हमारे जो भी इन्वेस्टर भाई हैं जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है सारा में, उनके लिए एक अच्छी खबर आ सकती है कि किस तरीके से उनके पेमेंट जारी किए जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा भाई, जहाँ तक अभी इन्वेस्टरों ने अभी भी धैर्य रखा हुआ है तो उसी तरह थोड़ा सा और धैर्य रखने की मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई थोड़ा सा और बने रहें धैर्य के साथ, ताकि हम लोग के जो पेमेंट है वो सुरक्षित रहे और हम लोग के पेमेंट वापस मिलने शुरू हो जाएँ। तो ये आने वाले समय में हम लोग को मालूम होगा कि अपडेशन क्या है। तो जिस तरीके से हमें नई अपडेशन मिलती है तो मैं आपके सामने एक बार फिर से उस नई अपडेशन के साथ प्रस्तुत करता हूँ या मतलब हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप मेरे को एक विश्राम देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई जानकारी के साथ आपके साथ एक बार फिर से रूबरू हो रहा हूँ। तो चलते हैं एक नई जानकारी की ओर। आज मैं बात करता हूँ सारा इंडिया परिवार की। तो अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई है कि जो कि मार्च 2021 की आई हुई है, जिसमें कि सारा इंडिया जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है हमारा उसका सब ब्रोकर कोड को निरस्त कर दिया गया है। वो लाइसेंस का जो सॉरी सब ब्रोकर का जो कोड है इनका वो निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिस जो इस तरह की जो कंपनियां बनी हुई हैं और उस पर जिस तरीके से काम हो रहा है तो सेबी को ये लग रहा है कि आने वाले समय में या जो भी अभी तक का काम हुआ है वो उनके ढांचे के अनुरूप नहीं हुआ है, मतलब जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनके तहत नहीं हुआ है। तो अभी जो भी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं तो उसमें एक नई न्यूज ये आ रही है कि जो कंपनी है उस कसौटी पे खरी नहीं उतर रही है। और ये निर्णय लिया गया है कि जो 2018 में एक विशेष अधिकारी ने ये मतलब जो जांच करने की जिम्मेदारी दी थी, जिसमें सारा इंडिया फाइनेंशियल ने मतलब कि सब ब्रोकर कोर्ट में काम करने के लिए जो लाइसेंस लिया था उसका उसने पूरी तरह से उल्लंघन किया हुआ है। इस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सुब्रत राय सारा ने पिछले कामों तथा उनके जो सारा के अन्य कंपनियों के खिलाफ आए विभिन्न न्यायिक फैसलों को देखते हुए ये माना है कि सारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो सब ब्रोकर कोर्ट में जो रजिस्टर्ड थी उसने वो एक आज की डेट में वो ठीक नहीं है, मतलब कि उसको उपयुक्त इकाई नहीं माना गया है। तो अपने आवेदन में ये भी कहा है कि जो हमारे सुब्रत राय सारा जी हैं वो इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। चूँकि हमारे पास यहाँ पे कहा गया है कि नियामक में ये भी कहा गया है कि उनका कर्तव्य बनता है कि प्रतिभूति बाजार की सुविधा को बनाए रखने के लिए उनके काम करने वाले मध्यस्थों को सहयुक्त इकाई के मानदंड की दृष्टि से लगातार निगरानी रखें। लेकिन आदेश में ये भी बोला गया था कि प्रतिभूति बाजार पर नज़र रखने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी के चलते सेबी नोटिस के तहत ली गई कंपनी जो सारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो थी हमारी एक बड़े शेयरधारक प्रवक्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई को मामले को देखते हुए इस बात को हल्के में भी ले सकता है। सेबी ने 12 पृष्ठ के बुधवार को जो पारित आदेश में नियामक और पूर्णकालिक सदस्य श्री महलिंगम ने कहा है कि वो जांच अधिकारी के निष्कर्ष में पूरी तरह सहमति रखते हैं कि नोटिस के तहत ली गई कंपनी बाजार में जो मध्यस्थ का कारोबार करने वाली हमारी जो भी इकाइयों से संबंधित नियमों के अनुसार कोई भी सही और अनुचित इकाई नहीं है।
ऐसे में मैं नोटिस में तहत ली गई इस कंपनी के जो सब ब्रोकर के पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने की जांच जो है सिफारिश को स्वीकार कर ली गई है और उसको निरस्त कर दिया गया है। तो सारा को एक और सबसे बड़ा झटका लग गया है कि जी इन्होंने जो सारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो उनका था उसका भी इन्होंने मतलब जो सब ब्रोकर कोर्ट था वो भी कैंसिल हो गया है। तो आज ये देखने में आ रहा है कि जो सारा श्री के साथ मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। अभी इनके रियल इस्टेट को भी मतलब जो अलीगंज में जो इनका ऑफिस था रियल इस्टेट का उसको भी बंद कर दिया गया है। हेलो दोस्तों, यूट्यूब के नॉलेज इंफो चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे एक बार फिर से रूबरू हो रहा हूँ एक नई न्यूज़ के थ्रू। आज मैं बात करता हूँ सारा की। तो अभी जो मेरे को एक लेटेस्ट न्यूज़ मिली है जिसमें कि जो हमारा सारा सिटी का जो भी वर्चस्व कायम है हर सिटी में फैला हुआ है, तो सागर से हमारी एक नई न्यूज आ रही थी। सागर में जिला प्रशासन ने जो इनकी ज़मीन को एक्वायर करते हुए ये निर्णय लिया हुआ है कि जो भी इनकी ज़मीन है जो कि करीब वो 100 एकड़ की ज़मीन है और जिला प्रशासन ने 100 एकड़ की ज़मीन को अपने थ्रू अधिग्रहण कर लिया है और उसका ये कहना है कि जो भी मतलब इसको बेच के जो भी पेमेंट होगा तो वो अपने निवेशकों को मतलब कि जो उनके सारा के जो निवेशक है जिन्होंने अपना पैसा लगाया था तो उनको ये रकम उसी से वापस की जाएगी। तो ये फैसला एक बहुत ही अच्छा फैसला है कि मतलब ज़मीन बेच के अगर इन्वेस्टर का उनका पेमेंट मिलता है तो उससे सबसे ज़्यादा खुशी तो उनके इन्वेस्टरों को होगी कि मतलब उनको पेमेंट एक मिलना शुरू हो गया है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन अभी चूँकि ये जो चीज़ आई है वो अभी सागर के अकॉर्डिंग आई हुई है जो कि अपने अभी मतलब कानपुर लखनऊ वगैरह में भी ये चीज़ नहीं आई है, वैसे इस पर कार्रवाई चल रही है लेकिन अभी सागर के जिला प्रशासन ने इस चीज़ को किया है कि उनकी जो 100 एकड़ की ज़मीन थी उसको अपने कब्जे में ले लिया है और भविष्य में ये मानना है कि उसी ज़मीन को मतलब बेच करके इन्वेस्टरों को उनका पैसा वापस करने की योजना बनाई जा रही है। दूसरी एक और भी चीज़ आई हुई है, कुछ ज्ञापन जो सारा की तरफ से दिए गए हैं जिसमें कि जो सेबी ने सारा के जितने भी जो अकाउंट्स थे उनको फ्रीज करवा दिया है। तो उस पर रोक हटाने के लिए एक याचिका दाखिल की गई है ताकि उनके जो बैंकों का जो संचालन है वो सुचारू रूप से स्टार्ट हो सके ताकि जो भी मतलब इन्वेस्टर के उनके पेमेंट्स हैं तो उनको समय पे मिलने शुरू हो जाएं या जिनके पेमेंट पहले से लगे हुए हैं जिसकी मैच्योरिटी है MIS के पेमेंट्स हैं RD के पेमेंट्स हैं तो वो उनको मिलने शुरू हो जाएं। तो एक जो इन्वेस्टरों की एक जो इतनी लंबी जो प्रतीक्षा अवधि गुजर चुकी है तो वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, तो ये याचिका लगी हुई है। तो इस पर भी विचार चल रहा है, हो सकता है कि अगर ये याचिका अगर मतलब स्वीकार कर ली गई तो सेबी ने उनके खातों को सारा के खातों को जो फ्रिज कर रखा है उस पर पाबंदी हटा दी जाएगी और फिर से इसका सुचारू रूप से प्रबंधन शुरू हो सकेगा और इन्वेस्टरों को उनका पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये याचिका लगी हुई है तो इस पर जितनी जल्दी से जल्दी रिजल्ट आता है तो वो अपडेशन में आप लोगों को फिर से एक बार देता हूँ। तो अभी का जो अपडेशन था जिसमें कि सागर के जिला मतलब जो जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि उनकी ज़मीन को एक्वायर करते हुए उसको बेच करके इन्वेस्टर का पैसा वापस करेंगे और दूसरी चीज़ है बाकी जगह भी ये याचिका लगी है कि जो सारा सेबी के जो अकाउंट जो सीज कर दिए गए थे मतलब से सारा के उसको भी चालू कर दिया जाए तो ताकि वो मतलब इन्वेस्टरों को उनके पेमेंट्स सुचारू रूप से कर सकें। तो ये आने वाले समय पर ही निर्भर करता है कि इसके लिए कितना समय चाहिए, 1 महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए या आगे का भी समय चाहिए। तो ये जैसा भी नई न्यूज़ मेरे को प्राप्त होती है मैं आपके सामने एक बार फिर से रूबरू होता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मेरे जो भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं या जो भी जानकारी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हैं और अपने कमेंट्स को पास आउट कर रहे हैं ताकि मैं नई से नई जानकारी को तुरंत आपके पास अपडेट कर सकूँ।
तो आज इसी जानकारी के तहत मैं आपको एक नई जानकारी जो अभी अभी फ्लैश हो रही है, तो मैं एक बार फिर से आपको सारा की एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं सारा और सेबी की। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सारा और सेबी का जो भी केस हमारा इस समय चल रहा है और निवेशकों का पैसा उनको वापस नहीं मिल पा रहा है, तो अभी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो इनका रियल इस्टेट का जो अलीगंज कपूरथला में जो इनका ऑफिस था रियल इस्टेट का, उस पर रोक लगा दी गई है और दफ्तर को सील कर दिया गया है। जैसा कि लोगों का कहना है कि सारा श्री ने जो अपनी कंपनी रियल इस्टेट में लोगों का पैसा लिया था मकान देने का या अपार्टमेंट्स देने का, तो पैसा तो पूरा ले लिया गया है लेकिन उनको अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। लोगों का पैसा पूरी तरीके से जमा हो चुका है और उनको अपने कब्जा नहीं मिल रहा है, तो इस कड़ी को देखते हुए जिला प्रशासन जो लखनऊ का है, तो उसने जो इनका जो अलीगंज में कपूरथला में जो ऑफिस है इनका, उसको सील कर दिया है। और आगे भी ये चर्चा हो रही है कि ये पैसा किस तरीके से लोगों को मिलेगा और जो रियल इस्टेट में लोगों ने अपना मतलब जो भी जमा किया हुआ धन है, जो उन्होंने अपने मकान के लिए या ज़मीन के लिए या अपार्टमेंट के लिए मतलब जिसने भी जैसा भी अपना इन्वेस्टमेंट किया था, तो अब उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि अब उनको ये चीज़ कैसे मिलेगी। तो आज जिस तरीके से केसेस चल रहे हैं, तो सुब्रत राय की मुसीबतें धीमे धीमे बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि एक तो इन्वेस्टरों का पैसा वापस नहीं मिल रहा है, दूसरा आज जो जिस तरीके से प्रशासन उनकी मतलब उनकी जो भी मतलब प्रोजेक्ट थे उन पे कार्रवाई शुरू कर रहा है, और आज जो सबसे बड़ी मैं खबर जो लेके आई है वह कि जिसमें कि उनके दफ्तर को सील कर दिया गया है जो अलीगंज में था, और अब इससे भविष्य में ये थोड़ा तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि इन्वेस्टर ने जो अपने भविष्य में का जो पैसा जो इन्वेस्ट किया था कि उसको एक ज़मीन मिल जाएगी या उसको एक रहने का घर मिलेगा या ठिकाना मिलेगा ताकि वो वहाँ पे अपना शिफ्ट हो सकेगा, तो आज वो चीज़ खटाई में पड़ गई है क्योंकि उनके दफ्तर को सील कर दिया है। और लोगों का मानना है कि पैसा लोगों ने अपने समय पे सारा पैसा वहाँ पे जमा किया है लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा है और सारी चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं। सारा और सेबी का ये मैटर 2012 से स्टार्ट हुआ था, 2015 तक में बहुत सारे केस चले भी जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें तब्दीलियाँ हुई, लेकिन आज भी ये केस उसी तरीके से चल रहा है। जबकि सारा का कहना है कि मैंने पेमेंट सेबी को कर दिया है, लेकिन यहाँ सेबी का कहना है कि अभी भी हमें उतना पेमेंट नहीं मिला है जितना कि मैंने बोला हुआ था। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि सेबी ने ये भी बोला हुआ है कि जो भी इन्वेस्टर का पैसा है वो उसको वहाँ पे सारा सेबी अकाउंट्स में जमा करें और उस पर भी वो 15% का इंटरेस्ट लगा के जमा करें ताकि वो उनको देनदारी मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनको वो पेमेंट किया जा सके। लेकिन यहाँ पे उनकी मुसीबतें टलने का नाम नहीं ले रही हैं और सुब्रत राय जो हैं वो इन परेशानियों से बच नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई एक नई चीज़ उनके लिए फिर से तैयार हो जाती है, जबकि उनका कहना है कि मैं जितनी जल्दी हो सकता हूँ मैं आप लोगों का पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से सारा जो सेबी का मैटर है वो ख़त्म हो सके और मैं सभी के पेमेंट को कर सकूँ। लेकिन बात ये आ रही है कि जिस तरीके से ये गतिविधियाँ इस तरह से चल रही हैं और आने वाले समय में जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि इन्वेस्टर का पेमेंट किस तरीके से होगा। लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई छोटा छोटा पैसा जोड़ के ये सोचा कि भाई उसको वो पैसा एक समय के बाद मिलेगा तो उससे वो अपना कुछ काम करेगा या कहीं लगाएगा या कुछ भी अपना गोल्स हैं उसको पूरे करेगा, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें उसकी ख़त्म हो गई हैं क्योंकि पैसे मिलने का भी कोई भी स्थायी जरिया नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि अभी पेपरों में या न्यूज़ में ये सब आ रहा था कि आने वाले समय में हो सकता है कि 3-4 महीने में पेमेंट शुरू हो जाएंगे, तो अभी भी ये एक सवाल है कि आने वाले समय में या 2 या 3 महीने में किस तरीके से ये पेमेंट को चालू करेंगे और किस तरीके से इन्वेस्टरों को उनका पेमेंट मिलेगा ताकि उनको भी एक तसल्ली मिले कि उनको पेमेंट मिलना शुरू हुआ है। तो लोग तो अपने पेमेंट के लिए इस समय चक्कर लगा रहे हैं, उनको किसी भी ऑफिस से कोई भी पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि सारा श्री से रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई वो जितनी जल्दी हो सके इस केस को फाइनल करें
पर इन्वेस्टरों का पैसा उनको देना शुरू करें, ताकि जो एक उनकी छवि बनी हुई है तो वो छवि उसी तरीके से बरकरार रहे, ताकि आने वाले भविष्य में जो सारा समूह एक बहुत अच्छे ग्रुप के रूप में जाना जाता था, तो वो आज फिर से उसी तरह से वो जाना जाने लगे और उसकी छवि उसी तरीके से फैलने लगे जिस तरीके से कभी ये परचम पे लहराया करता था कि एक हर किसी को जो वहाँ पे एक सारा का एक नाम होता था। तो थोड़ा सा हम लोग भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि नए अपडेट आने तक कि किस तरीके से इनके आगे वाले पेमेंट किस तरीके से कंपनी चालू करेगी और उसको किस तरीके से पैसा मतलब इन्वेस्टर को वापस मिलेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग भी सब्र रख सकते हैं और लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो भी अभी समय दिया है तो हो सकता है 2-3 महीनों के अंदर कोई नई चीज़ आती है, ताकि मैं इन्वेस्टर को या इन्वेस्टर को उनके पेमेंट किस तरीके से मिलेंगे, तो अगर कोई भी नई अपडेशन आती है तो मैं आपके सामने एक बार उसको लेकर फिर से हाजिर होता हूँ। आज तक के लिए तो इतना ही, बने रहिए हमारे नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों धन्यवाद।